नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। मछला सिंह ने ग्रहण की ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ। जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिधौली ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ग्रहण की। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतिम चरण में कराए गए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में निर्वाचित हुए ब्लॉक प्रमुखों को डीएम इंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठकें होंगी। ब्लॉक प्रमुख पद की सभी 15 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते थे। 10 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव निर्विरोध हुए। इस तरह विकास खंड सिधौली से मछला सिंह, पत्नी मुनेश्वर सिंह ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुई थी। मंगलवार को नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मछला सिंह को शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों सहित भाजपा के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नीलम देवी ने शपथ ग्रहण लेकर नई सियासी पारी की शुरुआत की। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिला पंचायत तथा ब्लॉक प्रमुख के पद पर भाजपा के प्रत्याशी कब्जा जमा चुके हैं, जिसमें सिधौली ब्लॉक प्रमुख की सीट पर मछला सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मुनेश्वर सिंह ने बताया कि पार्टी ने टिकट देकर जो विश्वास जताया है उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता को दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार हमेशा साथ रहा और आगे भी रहेगा, जिसके लिए हर संभव कोशिश कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि ब्लॉक की कोई भी समस्या निसंकोच बता सकते हैं, जिसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। इस बीच मौजूद रहे मंच पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर, राकेश मिश्रा अनाबा, युवा नेता राजेश मिश्रा, सत्यपाल सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।